नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने प्रदेश के 30 स्काउट और 19 गाइड को राज्य पुरस्कार से किया सम्मानित। राज्यपाल ने समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा, स्वच्छता, वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण, रक्तदान सहित अन्य सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का किया आह्वान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने चांगलांग जिले के मियाओ विजयनगर सड़क के निर्माण को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। बैठक के दौरान ज्यादातर गांवों को सड़क से जोड़ने की परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने की गई चर्चा। वोटर कार्ड वेरिफिकेशन विषय पर ईस्ट सियांग जिले के देबिन गांव में कार्यक्रम आयोजित। स्थानीय लोगों को पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर मतदाता कार्ड को सत्यापित करने के बारे में दी जानकारी। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में आयोजित अरुणाचल प्रदेश स्टेट राज्य पुरस्कार अवार्ड समारोह में प्रदेश के 30 स्काउट और 19 गाइड को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, सचिव निहारिका राय और भारत स्काउट एंड गाइड के प्रमुख आयुक्त गौनिया लेज मौजूद थे। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में स्काउट एंड गाइड की गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई है कि युवाओं को विकास का ये अभियान जारी रहेगा। श्री मिश्रा ने कहा है कि समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने, स्वच्छता कार्यक्रम, वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण, रक्तदान सहित अन्य सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का आह्वान किया। इस समारोह को शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने भी संबोधित किया। कि कोई भी काम करो, चाहे पढ़ाई का काम करो, चाहे लिखाई का काम करो, चाहे मैनेजमेंट का काम करो, कहीं भी कुछ करो, एक भावना से करो कि हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, हम अकाउंटेबल रहेंगे, हम ऑनेस्ट रहेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे काम को, बीच में छोड़ेंगे नहीं, हम अपना खुद का ऑडिट करेंगे, हम रिव्यू करेंगे अपने काम को और हम अपने को सुधारते रहेंगे। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप ये करेंगे तो आप एक अच्छे सिटीजन होंगे, आपकी इज्जत होगी, मानवता आप में रहेगी और सोसाइटी का भला। स्काउट गाइड की जो मेन एम है टू हेल्प बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड एंड टू प्ले ए कंस्ट्रक्टिव रोल इन द सोसाइटी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो आपकी जो एम है उसकी पूरी तरह स्कूल में, घरों में, अपने कम्युनिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में निभाते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उसके साथ आपकी जो संस्था की एक मोटो है, वो तो हमेशा कहता है कि बी प्रिपेयर्ड, आप हमेशा रेडी में रहना है। अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों में छात्रों को गणित व विज्ञान शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान विषय अभियान शुरू किया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के दोरजी खांडू सभागार में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हो गई। विज्ञान के माध्यम से छात्रों में शोध व तकनीक की जानकारी विकसित करने में यह कारगर माध्यम बनेगा। उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों को ज्ञान शिक्षा के उच्चतम स्तर तक पहुँचाने के लिए यह योजना शुरू की है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान को नोडल एजेंसी बनाया गया। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में 6 से 18 आयु वर्ग के छात्रों को शामिल किया गया है। School education and institute like higher educations like IITs, NITs, ISIT. इसीलिए हमें राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जैसे कार्यक्रम की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बच्चों का जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में रिफाइन होता है, बट बनता तो हमारे एलिमेंट्री स्कूल्स में। हमारे एलिमेंट्री स्कूल्स में उनको साइंस और टेक्नोलॉजीज के नए आयाम पता चलें, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी में नए कॉन्सेप्ट पता चलें और उन कॉन्सेप्ट के साथ बंधे, जिससे कि वो नए आयाम स्थापित कर सकें जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज या अपनी बड़ी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाए।
इसलिए ये टिंकरिंग लैब या इस तरीके के एस्टेब्लिशमेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ हैं, टीचर्स का मेंटरिंग है, स्टूडेंट्स का एक्सपोजर विजिट है इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये इस प्रोग्राम के तहत प्लान किया गया है, जिससे आविष्कार को प्रोत्साहन मिल सके। आविष्कार कुछ भी नहीं है, हमारे आसपास की समस्याएं हैं बच्चों, हमारे आसपास जो समस्याएं होती हैं उनको ऑब्जर्व करना ही आविष्कार की शुरुआत है। जनरली हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना ही आविष्कार है। यूनिसेट इज इंप्लीमेंटिंग एक्टिविटीज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन लाइक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रोग्राम्स, एरो मॉडलिंग क्लब्स, एस्ट्रोनॉमी क्लब्स, टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस फ्रॉम साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो एंड एकेडमिशंस फ्रॉम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT, NIT एंड ऑब्वियसली विजिट्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू प्लेसेस ऑफ साइंटिफिक इंपॉर्टेंस। 100 एलिमेंट्री स्कूल्स इन अरुणाचल प्रदेश हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एक्टिविटीज इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑन पायलट बेसिस अंडर द मेंटरशिप ऑफ IIT गुवाहाटी एंड IIT कानपुर। These schools are provided with majorly math and science teaching learning materials, kits, solar powered smart classrooms for making learning of math and science fun and interesting for students. Science exhibition and math melas will be conducted, regular mentoring and monitoring support and support supervision will be provided on regular basis, especially quality assessment. राजभवन ईटानगर में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल चांगलांग जिले के मियाओ विजयनगर सड़क के निर्माण को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में RWD मिनिस्टर हुनचुंग नामदंग, शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग, सीमा सड़क संगठन पूर्वी क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक PKH सिंह अपेदा, BSNL, जन वितरण प्रणाली सहित कई अधिकारी आला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान ज़्यादातर गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए पुलों का निर्माण और परियोजना को त्वरित गति से पूरा करने पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय लोगों ने हितों को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया जा रहा है। श्री मिश्रा ने कहा कि उचित मूल्य पर इस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार रणनीति दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मियाओ विजयनगर मार्ग का जल्द से जल्द पूरा करने के प्रति गंभीर है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार वॉलमार्ट के लिए स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट और अमेजोन द्वारा अन्य कंपनियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने वाले रियायती मूल्यों की जांच कर रही है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इन कंपनियों को विस्तृत प्रश्नावली भेज दी गई है और उनके उत्तर का इंतजार है। उन्होंने कहा है कि ई कॉमर्स कंपनी को डिस्काउंट पर उत्पाद बेचने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे खुदरा क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचता है। श्री गोयल ने कहा है कि इन कंपनियों को संभावित विक्रेताओं और खरीदारों से संपर्क करने मात्र की अनुमति है। मंत्री ने कहा है कि यदि ये कंपनी कानून का पूरी तरह पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला उस समय प्रकाश में आया जब अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने मंत्री को पत्र लिखकर ई कॉमर्स कंपनियों विशेष रूप से अमेजोन और फ्लिपकार्ट के व्यापार मॉडल का लेखिक परीक्षण करने की मांग की। बेच सकते हैं, जो खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स कंपनी को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट करे, वो उसके प्रोडक्ट्स को प्रीडेटरी प्राइसिंग या सस्ते में बेच के और जो हमारी रिटेल की व्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाए। उनको कोई परमिशन अलाउड नहीं है कि वो खुद मालकियत बना सके सामान की और बेच सके। मेरे समक्ष कुछ कंप्लेंट्स आई हैं हाल ही में, उसके ऊपर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने दो दिन पहले भी क्वेश्चनर भेज के बहुत सारी जानकारियां मांगी है। कल अथवा आज एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चनर दिया जा रहा है, उसकी पूरी डिटेल्स आने के बाद इसको जो नेसेसरी एक्शन होगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन किया गया है, इन लेटर और इन स्पिरिट, ये बात मैंने कई बार चेतावनी दी है सभी ई कॉमर्स कंपनीज को। सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सेना राजनीति से अलग है और पड़ोस में शांति तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना अपने आकार के कारण ही नहीं बल्कि सैनिक कार्रवाई के व्यापक अनुभव के कारण भी विश्व की अग्रिम सेनाओं में गिनी जाती है।
नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जनरल रावत ने कहा कि भारत का रक्षा उद्योग धीरे धीरे निर्यातोन्मुख हो रहा है। उन्होंने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात अभी करीब 11,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है, जिसे वर्ष 2024 तक बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच में आज जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय पासीघाट में राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर फोरम के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजनंदन सिंह ने कहा है कि विश्व में भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए युवाओं को समाज में एकता के संदेश का प्रचार करना होगा। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में युवाओं का अहम योगदान होता है और इसी को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच देश के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को जागरूक कर रही है। एक ऐसी चीज है जो कि हर एक दिन अपने राष्ट्र के हित में राष्ट्र को बचाने के लिए ये किया जाता है। कॉलेज में इसलिए हम लोग आए हैं कि यहाँ पर जितने यूथ इन्होंने ही आगे चलकर राष्ट्र का देखभाल करना है, राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, इसलिए हम लोग आते हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे वोटर कार्ड वेरिफिकेशन अभियान पर ईस्ट सियांग जिले के देबिन गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों को पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर मतदाता कार्ड को सत्यापित करने के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर रुकसिन के ADC काबिद अपांग ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कार्ड वेरिफिकेशन को लेकर समय सीमा तय की गई है। उन्होंने लोगों से मतदाता पहचान पत्र के सत्यापन के कार्य में बूथ लेवल अधिकारी के साथ सहयोग करने की अपील की। मोबाइल में रजिस्टर होना है आप अपना वोटर्स को, इसीलिए इलेक्टोर वोटर्स आई कार्ड, उसका बाद आधार कार्ड, नाइट ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ डॉक्यूमेंट के साथ में देना है। वो BLO के पास ये सब ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो BLO का ड्यूटी है सबको 2 दिन का अंदर में सब खत्म करके वेरिफिकेशन करके हम लोग रिपोर्ट सबमिट करना है। ये अरुणाचल प्रदेश के भारोत्तोलक चारू पेशी ने बिहार के बोधगया में आयोजित राष्ट्रीय युवा और जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के 61 किलो भार वर्ग में 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। चारू पेशी ने स्नैच में 112 किलो और क्लीन एंड जर्क में 142 किलो भार उठाकर राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया। इस प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश के 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल राज्य सचिवालय में राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हाल ही में स्वर्ण पदक जीतने वाली राज्य की पहली महिला जीतो माने को सम्मानित किया। श्री खांडू ने राज्य का गौरव बढ़ाने के लिए युवा एथलीट जीतो माने की सराहना करते हुए भविष्य की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास को जारी रखने को कहा है। देरानातुंग राजकीय महाविद्यालय की छात्रा ज्योति माने सांगे लहादीन स्पोर्ट्स अकादमी से प्रशिक्षण ले रही है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आयोजित ओदांग ईरिंग मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में उदालगुड़ी ने पासीघाट फुटबॉल क्लब को 3-2 से पराजित किया। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में जिला पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह और विधायक निन्नोंग ईरिंग उपस्थित थे। प्रतियोगिता की विजेता टीम को पदक के साथ 1,00,000 रुपये और उप विजेता टीम को 30,000 रुपये प्रदान किया गया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आई एम वेरी डीपली ऑनर्ड, आपने मुझे इस सम्मान के काबिल समझा, थैंक यू वेरी मच सर। और मुझे जानकर काफ़ी खुशी हुई और पहली बार मुझे पता चला कि इतना अच्छा एक परंपरा जो यहाँ चल रही है, आपकी माननीय माता के मेमोरियल उनके सम्मान में जो ये मैच हो रहा है। दुख की बात है कि अगले साल से यहाँ रुकसिन में शिफ्ट कर रहे हैं सर, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रुकसिन की याद नहीं है सर। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।